हेलो फ्रेंड्स, आज जूनियर मेमू साहब का 40वां है और इसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देख रहे कि यहाँ पर डुप्लीकेट शाहरुख खान जी का भी इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो सो आज 40 दिन हो चुके हैं जूनियर मेमू साहब को दुनिया से जाकर। तो अब देखिए काफ़ी सारी पब्लिक आ रही है और आने वाले हैं लोग, तो आप लोग बने रहिए, मैं आने के लिए चीज़ें आपको बताऊँ। भाई चुनी नहीं, हर मतलब उनका एहसान है, राजू भाई और हमारे बहुत दिल से प्यार करते हैं। और रमू भाई का मतलब ये सोचती नहीं थे कि छोटा कलाकार या बड़ा कलाकार, रमू भाई आप दोस्तों, जॉनी लीवर साहब भी आ गए हैं, वो मैंने साहब की 40 है। क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। क्या नाम आपका? संतोष शर्मा। क्या नाम? अरे यार, इनसे आगे याद है मुझे। हां, मान लो तुम्हारे बहुत हरे भाई की कभी मुलाकात की जाने हम्बल अपनी तहजीब से मैं चाहे छुट्टी कितने भी और सबसे साफ करें हमारी बड़ी कुछ हुई हमेशा जाए साहब है, काम भी करना चाहिए। ऐसा वक्त है कि हम इस वक्त दुआओं के ही प्यार के अल्लाह मिला उनकी मफ़रत फरमाए, दोस्त में आला सारा मकाम नसीब फरमाए, उनके दर्जात फरम फरमाए। देखिए सलाम भाई, वक्त गुजरता रहता है, दिन निकलते रहते हैं, बस यादें रहता है, यादें, मुलाकातें, शफ़क़तें, मोहब्बतें, मुहबतें, गुरबतें, ये सारी चीज़ें जो हैं और ये यादें ही तो हैं जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ दोबारा एक बार हाजिर हुए, ताकि उन अल्लाह की बारगाह में हम दुआ कर सकें उसकी मफ़रत की। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जूनियर भाई नमो भाई की मिसाल जो है एक मोमबत्ती की तरह रही, कैंडल कहते हैं ना, कि जिसे खुद ये आखिर तक नहीं मालूम होता कि उसे एक वो धागा जला रहा है, उसे ख़त्म कर रहा है जो उसके पेट के अंदर ही समाया हुआ है।
तो बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह फिल्म जगत के हमारे चार कलाकार जो कई फिल्मों में काम किया और मास्टर जाने जाते हैं, बच्चे बीमार हुए उनको पता चला, उनके साथ बारी बारी घर आते रहे और उसके पहले भी बीमार होने कुछ दिन पहले तक साथ में मिलते रहे और फिर शो भी किए। आज आज बस यही है कि सवेरे बस एक कोइंसिडेंस था कि मैं मोबाइल चला रहा था और एक गाना सामने आया मेरे कि रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ मिल जाएगा, और आज मुझे यहाँ पर आना ही था। मुझे लगा कि ये गाना नमो भाई पर कितना शूट करता है, ये जब वो गए तो खुद हंसते थे, गए सबको हंसाते थे, गए आज भी लोग क्वालिटी को उनकी कला को उनकी आंकड़ी को याद करते हैं, जिनमें हम उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। आज 40 दिन हो चुके हैं उनकी डेथ को और आज यहाँ पर कुरान खान है। मेरे लिए तो बड़ा भाई था, मेरा तो बहुत पुराने संबंध है, मैं तो मतलब बचपन ही मेरा यहाँ पर इस बिल्डिंग में इस गली में क्रिकेट खेलते हुए नमो भाई और उनके भाइयों के साथ गुजरा है। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है। आपने वीडियो डाला था डेथ से पहले कि मेरे मरने के बाद अगर चार लोग ये कहे कि बंदा अच्छा था तो मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी सफल हुई, और बिल्कुल वैसे ही हुआ उनके साथ कि सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं, सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं। मेरे लिए तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा है कि ना मेरे लिए तो चाइल्ड एक्टर की शान थी कि चाइल्ड एक्टर्स को जो इज्जत दिलाई है, दिलाई है जो प्राइस मांगना, जो एक चाइल्ड एक्टरों को जो पैसे मिलने शुरू हुए थे, वो जूनियर मेहनत से शुरू हुए थे। जब मैंने लेट 70s में या अर्ली 80s में जब मैं लाख लाख रुपया लिया करता था फिल्मों का, लोग कहते थे ये तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, ये तो ओवर प्राइज्ड है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में जूनियर महबूब ने लाख लाख रुपये दिए एक फिल्म के, तो जो प्राइस बनाई है, जो रिस्पेक्ट बनाई है चाइल्ड एक्टरों की, वो जूनियर महबूब की वजह से। मैं यहीं पर रहता था चार बिल्डिंग छोड़कर, मेरी तो मेरे बहुत साल यहाँ पर इनके साथ गुजरे हैं। बस यही है कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, सुखी रहें, और जैसे वो यहाँ पर सबको हंसाते थे वैसे ही वहाँ पर भी सबको हंसाते थे। जूनियर महबूब भाई की यादें मास्टर राजू के साथ बहुत सारी ढेर सारी है, हम गुजर करेंगे। एक बार आपको हमने बुलाया, हम आपको वन फोन करें, पक्का पक्का हम लोग करते हैं, बहुत जल्द चलते हम मिलेंगे और बात करेंगे। और हमारे पिक्चर से जो कि जमाने में नाम उनका नाम है, मैन पेंटिंग में बहुत नाम है। हेलो फ्रेंड्स, ये था जूनियर महबूब साहब का 40 डेज प्रेयर मीट, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स आए थे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।